भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए ब्यावर भाजपा के पदाधिकारी 50 से ज्यादा युवाओं ने ज्वाइन की कांग्रेस पार्टी। आज ब्यावर के भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा है। इस मौके पर देहात कांग्रेस अध्यक्ष ने इन युवाओं का स्वागत कर कांग्रेस ज्वाइन करवाई। वे जानकारी दी कि भाजपा ने इन युवाओं से 5 वर्ष तक कार्य करवाया और इनका अपमान किया, इसलिए इन्होंने पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा। लगभग 50 युवाओं ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। आज ब्यावर के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और कई पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। इन सब पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं। पार्टी के कांग्रेस पार्टी परिवार में मैं इनका सम्मान, कांग्रेस पार्टी इनको ज्वाइन करवाता हूं। इन भाजपा पदाधिकारियों का 5 साल तक पूरे भाजपा में खूब काम करने के बाद में इनका जो अपमान हुआ है, जो इनके साथ में असहयोगात्मक रुख रहा है, जो पार्टी की निष्ठा से काम करने के बाद में भी इनको काम का सम्मान नहीं मिला, तो इनका भाजपा से मोह भंग हुआ है। भाजपा से मोह भंग होने के बाद में इन्होंने हमसे बात की है कि हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराना चाहते हैं। तो आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शर्मा और हमारे राजू ओसवाल जी और सहदेव सिंह जी रावत और हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों ने, सब लोगों ने इनको मोटिवेट किया है, इन लोगों को समझाया है कि कांग्रेस पार्टी जो है युवाओं को आगे लेके चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं राहुल गांधी जी, युवाओं का स्वागत कर रहे हैं और इस स्वागत की, इस बेला के टाइम पे हम इन युवाओं का कांग्रेस पार्टी में स्वागत करते हैं और हम इनसे वायदा करते हैं कि हम इनका पूरा सम्मान के साथ में पार्टी को, सबको साथ लेकर और हम चलेंगे और इनको कभी भी पार्टी के अंदर अपमानित महसूस नहीं होगा। ये देखेंगे कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी की तरह किस तरीके से सबको साथ लेकर चलती है और काम करती है। ये युवाओं का जो जोश है, ये इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है और भाजपा से मुख मोड़ रहे हैं। नोटबंदी, GST और इन तमाम चीज़ों ने राष्ट्र को कितना पीछे धकेला है, उनसे ये सब युवा जो हैं व्यथित हैं। आज कितने लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन किया? तकरीबन 40 से 50 लड़के अभी हमारे सामने हैं साथ में, और चूंकि मैं ब्यावर जाता तो इन लड़कों की संख्या और बड़ी होती, लेकिन 50 जो है मेन पदाधिकारियों को हमने आज कांग्रेस ज्वाइन कराया है। और इन पदाधिकारियों की सूची और तमाम लोगों की सूची हम सब प्रेस को भी देंगे। और ये स्पष्ट है कि अब कांग्रेस के परिवार में आने वाले लोगों का सिलसिला दिनों दिन बढ़ता जाएगा और हम सह स्वागत उनका स्वागत करेंगे।